लीडर है, गैंगलीडर है, स्पेशल है हमारे सपना दिए सर। आवाज आपके घर तक जाना। तो अर्थात भाई कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका से, कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा। क्या 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 कर रहे थे आप यहाँ पहले अपनी शॉप पर? मैं कुछ भी नहीं कर रहा सर। अच्छा अच्छा, एकदम फ्रेशर हूँ। ओके, इधर आया था, सब कुछ सीखा है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या किया जैसे? मैं यहाँ पे सब पहले से बेसिक से चालू किया था। ओके, अभी तो ब्लैक फिशर ऊपर में डबल डक्कर भी बना देता हूँ। जब आप आए थे पहले चार्जिंग पिन निकालना सर, बैटरी कनेक्टर सिखाते कि नहीं पूछ रहे थे? हाँ, पूछ रहा था। फर्स्ट अभी इतना 20 दिन गया, हमने क्या लेवल के ट्रेनिंग पे आ गए आप? कितना साल का एक्सपीरियंस समझते हैं? चार्जिंग पिन माइक वगैरह सब कर लेता हूं। और सॉफ्टवेयर में तो कौन सा भी ईएमआई यो हमारा यूएफआई बॉक्स इजी से लाइक दोनों लाके दोनों दोनों बना के दूंगा। क्या बात है, धोनी ये होता है कॉन्फिडेंट भाई, प्रेशर है लेकिन समझ में जितना साइलेंटली समझे तो उनका रिजल्ट ऐसे ही निकलता है। अभी जाके काम करेंगे तो और अच्छा आगे जाएंगे। बिल्कुल, बस ये कि जैसे जैसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप सपोर्ट ले सकते हैं इनसे, सर से। और सपोर्ट के लिए अगर आप यहाँ आप तो बिल्कुल पास से ही है, अगर फोन लेकर भी अगर अपने आप बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं कोई भी हेल्प चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से सीख कर जा चुके हैं उसका कोई एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे आने वाले टाइम पर, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेचते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। कोई आना चाहे उनको क्या बोलना चाहेंगे? आप जरूर आइए, जरूर आइए सर, जरूर। कब से कब तक क्लास होगा थोड़ा वो भी बता दो। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे 9 बजे तक क्लास होगा। और यहाँ से जब आप 9 बजे घर शॉप मतलब वहाँ चले जाते हैं हॉस्टल पे, उसके बाद भी क्लास वगैरह होती है? उसके बाद में रात में सगे सर है हमारे। ओके, और रात में आके क्लास लेते हैं हमारा। और मेरा दिल से शुक्रिया है सगे सर को, सगीर सर ने मेरे को बाजू बिठा के पूरा ए टू जेड सिखाया। सगीर सर ने मेरे को सामने बिठा के सब पूरा दिखाया और मेरे हाथ से भी करवाया। मैं सगीर सर और तौफीक सर को कभी नहीं भूलूं। फिक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से जाने के बाद भी सॉफ्टवेयर के लिए आपको टीम वर्क से भी हम सपोर्ट करेंगे। कुछ भी अगर इश्यू होगा तो आगे चल के भी हम सपोर्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग हो या कुछ भी हो, छोटा सा प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट करते हैं, आपको रिप्लाई देते सब देते हैं। क्योंकि आप फ्रेशर है, फ्रेशर है। देखने वालों को लग रहा होगा कि इतना सब कुछ आप काम सीखे यहाँ पे, ये फेक तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, कुछ भी फेक। इतने सब लोग हैं साथ में भाई, ये फेक तो नहीं है भाई? अभी तो नहीं है फ्रेशर, तो 2-4 साल वाले टेक्नीशियन मानते हैं आप? आईसी वगैरह तो लगा लेंगे ना सर? फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं आज यहाँ पे हमारा एक लाइव क्लास चल रहा है। ये क्लास का मैं आपको लाइव डेमो बता रहा हूँ, एक रिव्यू बता रहा हूँ कि क्लास में हमारे कैसा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हैंडसेट है हमारे पास और इसमें रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। और ये जो हैंडसेट है स्टूडेंट का ही हैंडसेट है, इसको लाइव हमने स्टेप बाई स्टेप सारे स्टूडेंट्स के सामने डायग्नोस किया। जैसे कि आप जानते हैं आज 10 दिन हो चुके हैं हमारे क्लास के। आज यहाँ पे फ्रेंड्स हम 10 दिन के बाद यहाँ पे इनका डेड सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें काफ़ी सारे हैंडसेट यहाँ पे रिपेयर होते हैं। और बाकी के 10 दिन इनका यही चलता है, जो डेड हैंडसेट स्टूडेंट्स अपने साथ लेकर आते हैं उसको रिपेयर करते हैं। क्योंकि 10 दिन में इनके बेसिक से लेके सारा सेक्शन इनके कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद इन सबको ये बता दिया जाता है कि कैसे एक डेड मोबाइल को चेकिंग करना है, डीसी की स्विचिंग कैसे जानना है, या फिर आपको सर्किट डायग्राम से कैसे आपको फॉल्ट को पकड़ना है, या मल्टीमीटर से कैसे फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इनको बताया जाता है और लाइव हम काफ़ी सारे हैंडसेट इनको रिपेयर करके भी बताते हैं। और हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स फोन फिक्स हैदराबाद में जितने भी हम मोबाइल्स रिपेयर करते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स के ही होते हैं, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है मोबाइल रिपेयर करने का। साथ में स्टूडेंट्स लेकर आते हैं ताकि उनको देखना होता है कि जो फॉल्ट उनसे नहीं बन पा रहे हैं मार्केट में वो सेट वापस जा रहे हैं, तो उनको ये बताया जाता है यहाँ पे कि कैसे इसको रिपेयर किया जाता है, कैसे आपको फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। तो ये जो हैंडसेट में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, रेड लाइट ब्लिंकिंग है। अगर आप देखेंगे सिस्टम से कनेक्ट करके तो ये पोर्ट भी नहीं बनाएगा ऐसे कंडीशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इनको स्टेप बाय स्टेप चेक करके ये हैंडसेट क्लास में लाइव रिपेयर करके बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका MMC को हमने खोल लिया है, MMC क्लीन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स IC के अंदर से काफ़ी सारे बॉल डैमेज है
और बोर्ड के अंदर भी काफ़ी सारे बॉल इसके पैड्स जो है कि डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो ड्रॉप डाउन केस होता है नीचे गिरने के बाद EMMC के अंदर के भी बॉल डैमेज हो जाते हैं और PCB में से भी बॉल डैमेज हो जाते हैं। तो ये फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करना है ये स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स डायग्नोस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे डायग्नोस करना है हैंडसेट को, कैसे EMMC पे ही काम करना है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सागर सर जो कि हार्डवेयर मास्टर आपके, यहाँ पे बताते हुए कि कौन से पिंस इसके डैमेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EMMC के अंदर से काफ़ी सारे बॉल डैमेज हो चुके हैं और इसी EMMC को लगाकर हमने ये हैंडसेट लाइव रिपेयर करके स्टूडेंट को बताया है। इस तरह के काफ़ी सारे सेट्स हम स्टूडेंट को लाइव रिपेयर करके बताते हैं। जैसे डुअल लेकर का बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है रैम का इशू होता है, उसमें ओनली रैम निकाल के किस तरह से लगाना है वो मेथड हम आपको सिखाते हैं। CPU के साथ रैम निकाल के दोनों भी लगा के आप लगा सकते हैं वो मेथड हम बताते हैं। सेफली वे में बहुत ही ईजी मेथड में आपको बताते हैं कैसे CPU निकाला जाता है, चाहे वो पेस्टेड हो या ब्लैक पेस्टेड हो या डुअल लेकर CPU हो। चूँकि फ्रेंड्स हैंड स्किल और टेक्निक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है काम करने में, अगर आपको पता भी है कि ये मोबाइल में ये काम करना है लेकिन उसके बाद अगर आपके पास हैंड स्किल का काम नहीं आता है, आपको आपका हाथ उतना अच्छा नहीं है IC खोलने लगाने क्लीन करने रिबॉल करने में, तब भी आप सेट को डेड कर सकते हैं डैमेज कर सकते हैं। चूँकि फ्रेंड्स CPU को और RAM को सेफ रख के काम करना होता है, PCB को सेफ रखना होता है, आप जो UFS लगा होता है उसको सेफ रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो कि आपको हमारे यहाँ पे लाइव क्लास में सिखाया जाता है। और फ्रेंड्स YouTube जैसा कि आप देखते हैं YouTube में आपको सोल्यूशन तो मिल जाएगा लेकिन आप हैंड स्किल का काम नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड जब तक आप एक अच्छे मास्टर के साथ आकर के काम साथ में बैठ करके देख करके सीखेंगे नहीं, तब तक आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि फ्रेंड YouTube पे काफ़ी सारे हमने वीडियो ऐसे डाले हैं IC खोलते हुए, ब्लैक पेस्टेड IC को खोलते हुए क्लीन करते हुए, या रिवॉल्विंग के वीडियोज हमने डाले हैं, डुअल लेकर का एक कंप्लीट वीडियो हमने सबसे पहले डाला है कैसे उसको बनाना है, स्विचिंग के साथ हमने बताया है, एयर हीट एवरीथिंग हमने बताया है। लेकिन फ्रेंड जब हम आपको साथ में रह करके 10 घंटा हम साथ में रहते हैं फ्रेंड, 3 से 4 फैकल्टी आपके साथ क्लास में साथ में होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक आपकी हरकत पे हम नज़र रखते हैं, हर चीज़ आपको सिखाया जाता है, जब आपको सारे अच्छे टूल्स आपको देते हैं कौन सा टूल कौन सी IC खोलने के लिए लगता है ये हम आपको सिखाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनने के लिए आपको एक प्रोफेशनल टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे जो SMD जो आयरन वगैरह आपको देते हैं फ्रेंड्स, ये पूरे ब्रांडेड हम आपको टूल्स देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा 1000-1500 रुपये वाला SMD आपको देखने को मिलेगा, 200-300 रुपये वाला आयरन आपको देखने को मिलेगा, 100 रुपये वाला येलो कलर का मल्टीमीटर आपको दे दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे टूल दे रहे हैं तो ऐसे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलने वाली, और फ्रेंड्स जो आपको सिखा रहे हैं आप लाइव देखिए उनको क्लास के अंदर सेट दीजिए बनाने के लिए, ब्लैक पेस्टेड सेट दीजिए, डुअल लेकर CPU दीजिए, या फिर वन प्लस का कोई रैम निकाल के लगाने के लिए सेट दीजिए, ऐसे टीचर के पास आप जाइए, ऐसे मास्टर के पास जाइए आप जो आपको लाइव काम करके क्लास के अंदर दिखाते हैं। क्योंकि फ्रेंड हमारे यहाँ पे आप चैनल पे जाकर देखिए, और जितने पुराने स्टूडेंट हमारे हैं सबसे आप पूछिए हमारे यहाँ पे किस लेवल का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे हमारे मास्टर्स का हैंड स्किल है, कैसे हमारे फैकल्टी हमारे टीचर का हैंड स्किल है, कैसा उनका नेचर है, कैसा क्लास को सिखाया जाता है, क्लास में सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो सर्किट डायग्राम की बात हो, चाहे हैंड स्किल की बात हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर और EMMC प्रोग्रामिंग की बात हो। पुराने स्टूडेंट को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर रोज पोस्ट डालते हैं, मेरे आप व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके देखिए वहाँ पे जितने भी पोस्ट होते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पे या यूट्यूब पे जितने भी पोस्ट होते हैं सब कुछ स्टूडेंट ने ही बनाया है फ्रेंड्स, उनके नाम के साथ उनके फेस ID के साथ उनके फेसबुक ID के साथ मैं वहाँ पे पोस्ट डालता हूँ। आप चाहे उनसे इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, हमारे किसी भी स्टूडेंट का आप नंबर पूछिए, फोनफिक्स की टीम आपको कभी मना नहीं करेगी, चाहे कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से सीख कर जा चुका है वो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, आप किसी भी स्टूडेंट का नाम नंबर पूछ सकते हैं उसके नाम के साथ उसके सिटी के साथ, मैं आपको नंबर दे दूंगा। आप हमारा लाइव क्लास फेसबुक पे डेली लाइव क्लास मेरी आती है, हर रोज का मैं लाइव क्लास आपको बताता हूँ, जा करके हमारे फेसबुक पेज पे देखिए,
कि हमारा क्लास किस तरह से होता है, चाहे सर्किट डायग्राम की क्लास हो, चाहे हैंड स्किल की बात हो, हार्डवेयर की क्लास हो, सॉफ्टवेयर की क्लास हो, एमएमसी प्रोग्रामिंग की क्लास हो, हर रोज का मैं एक लाइव वीडियो हमारे फेसबुक पे आता हूँ, लाइव आपको बताता हूँ कि क्लास कैसे चल रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कितना मोटिवेट है, जब आए थे उनका लेवल क्या था और 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद उनका लेवल क्या हो चुका है, जब जा रहे हैं तो उनके अंदर कैसी फीलिंग है, हमारे यहाँ साथ हमारे साथ 20 दिन रहने के बाद वो जब जाते हैं तो उनकी फीलिंग क्या होती है, उनके चेहरे पे खुशी क्या होती है, और हमारा साथ छोड़ के जाने का जो उनके चेहरे में एक छोटा सा हल्का सा जो गम होता है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। अगर आपके पास काम वापस जा रहा है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद, आकर के हैदराबाद में सीखिए। हमारा नेक्स्ट बैच मार्च में है, 27 मार्च से एंड्रॉयड का बेसिक टू एडवांस कोर्स है, उसमें आ सकते हैं। लिमिटेड सीट से कॉल करके बुक कर लीजिए अपनी सीट। अगर आप एमएमसी का कोर्स करना चाहते हैं जिसमें हम UFI इजी अटैक का आपको सारा काम सिखाएंगे, हैं उसके अंदर हम एमएमसी या CPU वगैरह रिवॉल्विंग भी सिखाएंगे, ब्लैक पेस्टेड IC सिखाएंगे, कैसे निकालना है, क्लीन करना है, रिवॉल्व करना है, साथ ही साथ फ्रेंड डुअल डेकर की क्लास फ्री होती है, उसमें डबल डेकर CPU कैसे बनाना ये आपको लाइव आपको क्लास में सिखाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स यहां पे लाइव एक फॉल्ट को डायग्नोस करके रिपेयर करते हुए देख रहे हैं। यहां पे इस हैंडसेट को अभी IC वगैरह लगा लिया है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, यहां पे ये हैंडसेट ऑन करके भी स्टूडेंट को बताएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इतना ही है, ठीक है, समझ में आया? डायग्नोस करने का मेथड, एक स्टेप बाय स्टेप कहां से कहां चेक करें, कहां तक पहुंचे, सीधा स्पॉट पे पहुंचे, वहां से काम कर लिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेक करो, बहुत इजीली हो जाता है काम, ठीक है, और